नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश से चुनावी समर्थन जुटाने के लिए आज लखनऊ दौरे पर है। मुर्मू यहां बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों से भी मिलेंगी। इसके अलावा गैर भाजपाई दलों से भी समर्थन मांगेंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। राज्य मंत्री असीम अरुण लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कई प्रदेशों के कलाकार भी लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई कलाकार एयरपोर्ट पहुंचे हैं एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। कलाकारों का यहां पे हुजूम देख सकते हैं आप तस्वीरों में, किस तरह से कलाकार स्वागत में नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में पहुंचने वाली है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता वीरेन तिवारी जुड़ चुके हैं एयरपोर्ट से। वीरेन, एयरपोर्ट पे इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कलाकारों का हुजूम हम तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह की तैयारी है उम्मीदवार के आने पर? प्रोग्राम काफी वीरेन, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कलाकार पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जो कि समर्थन जुटाने के लिए पहुंच रही है लखनऊ, और आज रात में सभी विधायकों सांसदों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया है। आज वो विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगी। बीजेपी ही नहीं, गैर भाजपाई विधायकों सांसदों से भी मिलकर उनके समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगी। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में गई हैं द्रौपदी मुर्मू, वहां पे समर्थन की मांग भी करी है। अच्छा देखने को भी मिल रहा है उनको समर्थन। और हमारे साथ संवाददाता वीरेन जुड़ चुके हैं। वीरेन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैम। जी वीरेन, सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो वो कैसी देखने को मिल रही है, क्या बताया जा रहा है, कितनी देर में द्रौपदी मुर्मू पहुंच सकती है लखनऊ एयरपोर्ट? कुछ ही क्षणों में द्रौपदी मुर्मू जी आ रही है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। आप तो देखेंगे पूरे सुरक्षा व्यवस्था की जा चुकी है। चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाई जा चुकी है, बीएसएफ के जवान भी लगे हुए हैं, पीएससी बल भी यहां पे तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई छेद ना लगा पाए। और सबसे बड़ी बात है, उनके स्वागत के लिए हम आपको दिखाएंगे, बालिकाएं काफी दूर दूर से आई हैं, आदिवासी भी आए हैं, हम दिखाएंगे। देखिए हमारे साइड में, देखिए कैमरा मैन से आग्रह करूंगा, देखिए बालिकाएं और मुख्यमंत्री जी का काफिला आ चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का काफिला आ चुका, स्वागत उनके मुर्मू जी का पहुंच चुके हैं। इसी चरणों में डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का काफिला हमारे बीच में आ चुका है। जी, और कौन कौन से बड़े मुख्य चेहरे पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सीएम का काफिला पहुंच गया है, यानी कि अब कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाएंगी? अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं, और काफी बड़े चेहरे आ रहे हैं। कलाकारों की बात करी जाए वीरेन, तो कहां कहां से कलाकार आए हैं यहां पे स्वागत के लिए? अरुणाचल प्रदेश से आए, उड़ीसा से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए, सभी लोग अपनी कलाएं दिखा रहे हैं, नृत्य करके दिखा रहे हैं। अपने यूपी से भी काफी कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं। जी, तो क्या आपने कलाकारों से बात करी है वीरेन, उनका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से वो यहाँ स्वागत में नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जो खुशी है वो भी देखते बन रही है, तो क्या कलाकारों का कहना है द्रौपदी मुर्मू को, क्या वो भी समर्थन कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो? यहाँ मैं कलाकारों से बात करने की कोशिश करूंगा, काफी इंतजाम किए गए, कलाकारों से बात करने की कोशिश करूंगा मैं। आइए, मैं कलाकारों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं?
जी, तो आप लोग समर्थन करना चाह रहे हैं उनको? बिल्कुल समर्थन करेंगे। और भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ हमारे साथ में बालिकाएं, इनसे भी बात करेंगे, ये कहाँ से आई है। आप लोग कहाँ से आपका जी? अच्छा, बलरामपुर यूपी से। तो उनके स्वागत के लिए आए जी? स्वागत के लिए आए। अच्छा, आप लोग स्वागत के लिए आए। तो और भी आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ हम आपको दिखाएंगे, आदिवासी जो है हमारे बीच में, आदिवासी भी है, उनको भी दिखाएंगे हम। पीछे हमारे देखिए, जहाँ तक लाइन जा रही है हमारे पीछे, काफी लोग आदिवासी है, वहां तक में पहुँचना मुमकिन है, काफी समय लगेगा जाने में जी। वीरेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, साथ ही कलाकारों का भी यहाँ पे हुजूम देखने को मिल रहा है, और कौन कौन से लोग मौजूद है? जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आपने भी बताया है कि आदिवासी भी यहाँ पे स्वागत के लिए पहुँचे हैं, और कौन कौन से यहाँ पे लोग स्वागत के लिए पहुँचे हैं? मैम, आपने यूपी से पहुँचे हैं, मध्य के लिए जी। वीरेंद्र, जिस तरह से यहाँ पे हम एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, तो क्या लगता है मेन गेट से ही द्रौपदी मुर्मू बाहर आएंगी या फिर पीछे के रास्ते से उनको ले जाया जाएगा? नहीं मैम, प्राइवेट प्लेन उनके जो आएगा, प्राइवेट प्लेन प्राइवेट रास्ते से ही, वो जो एक तो अराइवल होता है, जो VIP गेस्ट हाउस आते हैं वहाँ से जेट बना हुआ, मैम वहाँ प्राइवेट के रास्ते से आएंगे और वो सीधा लोग गौन के लिए निकल जाएंगे मैम जी। तो यहाँ एयरपोर्ट के बाद द्रौपदी मुर्मू सीधा कहाँ जाने वाली है? एयरपोर्ट के बाद सीधा ये लोग पहुंच जाएगी VIP गेस्ट हाउस, उसके बाद में लोग पहुंच जाएंगे जी। अगर बात करी जाए आज के उनके कार्यक्रम के, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेगा, क्योंकि आज रात में भोज भी रखा गया है, और भोज से पहले किससे किससे मुलाकात कर सकती है द्रौपदी मुर्मू? सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद में लोग भवन जाएंगे, लोग भवन के बाद में VIP स्टॉक में देखने का काम होगा। काफी कुछ लोग भी आएंगे जो अन्य पार्टियों से भी उनसे मिलेंगे, और ये खुद स्वयं डांस वहां जाकर अन्य पार्टी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे जी। तो क्या द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए राज्यपाल भी पहुंची हैं? नहीं, अभी राज्य जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र कुमार जुड़े हुए थे। तो दौरे के लिए आई हैं, सभी का समर्थन लेंगी NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, और जिस तरह से वो BJP के सभी विधायक और सांसदों का समर्थन तो लेंगी, साथ ही साथ विपक्षी दलों से भी मुलाकात करेंगी, और आज सभी के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे, सभी से मुलाकात करेंगे द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM समेत कई बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से कलाकार भी पहुंचे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस